देश में कोरोना के नए मामलों में लगातार कमी देखी जा रही है। पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 18,987 नए मामले सामने आए हैं, वहीं 246 लोगों की मौत हो गई है। मंगलवार को देश में 15,823 मामले दर्ज हुए हैं और 226 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। आज आए कोरोना केस कल के मुकाबले 16% ज्यादा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि देश में कल कोरोना वायरस वैक्सीन की 35,66,347 डोज दी गई हैं, जिसके बाद वैक्सीन की डोज का आंकड़ा बढ़कर 96,82,20,997 हो गया है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने बताया है कि 13 अक्टूबर तक पूरे देश में कुल 58,36,64,525 कोरोना नमूनों की जांच की गई है। इनमें से कल 13,01,083 नमूनों की जांच की गई। वहीं बात करें नए स्ट्रेन की ब्रिटेन, साउथ अफ्रीका और ब्राजील वेरिएंट के मामलों की, तो स्वास्थ्य विभाग के अनुसार पिछले गुरुवार को 55 नए मामले, शुक्रवार को 59 नए मामले, शनिवार को 100 नए मामले, रविवार को 110 नए मामले, सोमवार को 10 नए मामले, मंगलवार को 21 नए मामले, बुधवार को 43 नए मामले और आज गुरुवार को 27 नए मामले आए हैं, जिससे देश में संक्रमितों की संख्या 83,597 से 83,624 हो गई है। नए स्ट्रेन के कुल मामलों में रिकवरी लगभग 70% के करीब है और लगातार नए स्ट्रेन के मामलों में भारी कमी देखी जा रही है, जो कि राहत की बात है। कोरोना वायरस और कोरोना वैक्सीन से जुड़ी हर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।